दोस्तों ये चैप्टर नंबर 4 है एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 की किताब का। तो ये हीट है, इसमें हम लोग हीट के बारे में बात करेंगे। इससे पहले 3 चैप्टर्स ऑलरेडी बना चुका हूँ। वैसे तो फ्रेंड्स इस साइंस क्लास 7 की किताब के सारे चैप्टर्स बन चुके हैं। मेरे हर्षित देवरी नाम के चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां पर एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 की आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पर आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। अब शुरू करते हैं इसको एक एक करके। फ्रेंड्स देखिए, चैप्टर नंबर 3 में हमने ये देखा था कि हम लोग कैसे वूलन क्लॉथ्स को बनाते हैं एनिमल फाइबर से। वूल को शीप से, गोट से, याक से, कैमल से, शरीर से हमने हेयर्स को काटा और उसके बाद उसको कुछ प्रोसेसेस के थ्रू हमने फाइबर्स और यान में बदला और फिर उस यान से हमने कपड़े बना लिए, स्वेटर बना लिए, वूलन क्लॉथ बना लिया, चीजें बना ली। उसी तरीके से हमने फिर सेरीकल्चर का प्रोसेस समझा था, कैसे एक सिल्क मॉथ अपने चारों तरफ, वैसे तो एक कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म पहले अपने चारों तरफ एक कुकून बनाता है और उस कुकून के अंदर वो मॉथ में डेवलप हो जाता है और फिर उस कुकून से हमको सिल्क फाइबर्स मिल जाते हैं जिससे हम अपने सिल्क के क्लॉथ्स बनाते हैं। अब आपको वूल के बारे में बात की थी, सिल्क के बारे में बात की थी। कॉटन के क्लॉथ्स भी प्लांट फाइबर से बनते हैं। फ्रेंड्स क्लास 6 की जब मैं एनसीईआरटी आपको पढ़ा रहा था साइंस की, तो उसमें मैंने बताया था कि कैसे कॉटन की खेती होती है। अब हमें पता है कि हम वूलन क्लॉथ्स को विंटर्स में पहनते हैं क्योंकि बाहर ठंडा होता है और वूलन क्लॉथ हमको वार्म रखते हैं। वहीं पे जब बाहर गर्म होगा ना, तो ऑब्वियस सी बात है उस समय अगर आप वूलन क्लॉथ पहन लेंगे तो अजीब सी गर्मी लगने लगेगी, बहुत अनकंफर्टेबल से लगेगा, इसलिए उस समय लाइट कपड़े पहने जाते हैं और कॉटन क्लॉथ लाइट होते हैं जिससे हमको कंपेरेटिवली कम गर्मी लगती है। वहीं पर अगर गर्मी में अगर आप वूलन स्वेटर पहन के बाहर निकल जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी। तो कहने का मतलब यह है कि अलग अलग वेदर के हिसाब से, अलग अलग सीजन और टेम्परेचर्स के हिसाब से हमारे कपड़े भी अलग अलग होते हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, वुलन क्लॉथ्स के जो यान होते हैं, वुलन का जो फाइबर होता है, जो कपड़ा होता है, तो उसके जो फाइबर्स के बीच में हवा फंस जाती है और हवा एक बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो हमारे शरीर के हीट को बाहर नहीं जाने देती, इसलिए ठंडी में हम लोग वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अब विंटर में क्या होता है फ्रेंड्स कि आपको घर के अंदर भी ठंडा लगता है और अगर आप थोड़ा सन में बाहर आ जाओ तो आपको गर्म लगने लगता है। समर में क्या होता है कि भैया घर के अंदर ही गर्मी लग रही है। अब आप इंडिया जैसी कंट्री में फ्रेंड्स, और इंडिया जैसी कंट्री में रह के, खासकर अगर आप नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में रह रहे हो, उत्तर प्रदेश राजस्थान के इलाके में रह रहे हो, तो आप इतने लकी हो कि आपको एक ही साल में गर्मी भी देखने को मिलेगी, सर्दी भी देखने को मिलेगी। जितना ज्यादा आप इक्वेटर के पास चले जाएंगे उतनी कम आपको सर्दी देखने को मिलेगी, जितना ज्यादा आप इक्वेटर से दूर चले जाएंगे उतनी ही कम गर्मी आपको देखने को मिलेगी। तो हम एक ऐसी जगह पे हैं जिसको एक्चुअली ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी कहा जाता है कि वहां पे हमको सर्दी गर्मी दोनों देखने को मिलती है। अब खास बात यह है कि हमारा ऑब्जेक्टिव यह है कि हम कैसे पता करेंगे कि कोई एक ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडा है। तो बस गर्मी और ठंडी के कंसेप्ट को यहां समझने की कोशिश हो रही है। तो भैया डे टू डे लाइफ में हम लोग बहुत सी चीजें देखते हैं अपने चारों तरफ, कुछ गर्म होती है, कुछ ठंडी होती है। यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखे हैं, आइसक्रीम, आइसक्रीम बहुत गर्म होती है, कोल्ड होती है फ्रेंड्स, आपको पता है। फिर स्पून इन अ टी कप, तो भाई टी कप में अगर चाय भरी हुई है, गर्म चाय भरी हुई है, स्पून उसमें पड़ा हुआ, तो एकदम से आप स्पून निकालेंगे तो स्पून गर्म होगा। फ्रूट जूस में अगर आइस पड़ी हुई तो वो ठंडा होगा, ठीक है। और अगर आप फ्राइंग पैन के हैंडल को पकड़ रखा है, अब अगर फ्राइंग पैन के हैंडल पे अगर वुडन या फिर प्लास्टिक कवरिंग नहीं है, तो उस केस में फ्राइंग पैन आपका नॉर्मली स्टील का होता है या आपका आयरन का होगा, तो उस केस में आपके हाथ जल जाएंगे। अगर उसके हैंडल पे वुडन या प्लास्टिक कवरिंग है तो आपके हाथ नहीं जलेंगे। तो हॉटनेस और कोल्डनेस हमको यहां पे समझ में आ रहा है फ्रेंड्स की चीजों के एहसास से, उनको छू के जो हमको सेंसेशन मिलती है उससे हम लोग हॉटनेस और कोल्डनेस पता कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप चाय को छुओगे तो वो गर्म होती है, अगर आप बर्फ को छुओगे तो वो ठंडी होती है। बस आपको ये सब करते वक्त ये ध्यान रखना है कि जो चीज बहुत ज्यादा गर्म है उसको हाथों से मत छुइएगा, नहीं तो हाथ जल भी सकता है। खासकर कैंडल फ्लेम से रिलेटेड या इनफैक्ट स्टोव तो आप कभी भी अकेले करिएगा मत। अगर आप क्लासरूम पर्सपेक्टिव से भी पढ़ रहे हैं, क्लास 7th में है, जो लोग यूपीएससी और पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट हाँ अगर आप अभी एक लेवल पे नहीं है तो स्टोव जैसी चीजों से भी थोड़ा दूर रहिए, ठीक है। कैंडल्स का भी जब आप प्रयोग करें तो बहुत ध्यान से करें, कोई बड़ा रहे उसके सामने ही करें। अब देखिए, आपने देखा होगा कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ठंडे होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स गर्म होते हैं। अब कुछ ऑब्जेक्ट्स दूसरों से ज्यादा गर्म होते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स दूसरों से ज्यादा ठंडे होते हैं। तो कुछ हिसाब में देखा जाए तो ये हॉटर और कोल्डर कंपेरेटिव डिग्री लेके आ रहा है, यानी कि आप कंपेरिजन में बता रहे हैं कि कौन सी चीज ज्यादा गर्म है, मतलब किसी एक दूसरी चीज के रेफरेंस में बता रहे हैं कि ये ज्यादा गर्म है। और ये हम टचिंग से पता कर रहे हैं, पर क्या टचिंग
इज अ रिलायबल सोर्स ऑफ मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ये जानने के लिए कि एक ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडा है क्या। टचिंग इज अ परफेक्ट सोर्स, नहीं टचिंग परफेक्ट सोर्स नहीं है। इसका एक एग्जाम्पल हम इस तरीके से लेते हैं कि आप तीन बॉक्सेस ले लीजिए, तीन मग्स ले लीजिए, तो एक मग ए है, मग बी है, मग सी है। मग के अंदर, मग ए के अंदर आप कोल्ड वाटर डालिए, मग बी के अंदर आप हॉट वाटर डालिए, और हॉट वाटर इतना ना हो कि आपका हाथ जल जाए, इतना हॉट वाटर हो कि आप उसके अंदर हाथ अंदर डाल सके बिना ज्यादा प्रॉब्लम के। और मग सी में क्या करिए कि ए का थोड़ा सा ठंडा वाटर और बी का थोड़ा सा हॉट वाटर मिला के सी में डाल दीजिए। अब आप मग ए के अंदर हाथ डालिए, मग बी के अंदर हाथ डालिए और मग सी के अंदर हाथ डालिए, तो आपको कैसा लगे? सबसे पहले तो आप काम करिए, यहां पे आपको साइमल्टेनियसली कुछ चीजें करनी है, ठीक है। आपको अपना लेफ्ट हैंड मग ए में डालना है जो कि ठंडा था, आपको अपना राइट हैंड मग बी में डालना है जिसमें पानी गर्म था, और अपने हाथ को दोनों मगों में 2-3 मिनट रखने के बाद उन दोनों हाथ को साइमल्टेनियसली एक साथ निकालना है और मग सी में डालना है। तो मग सी में जब आप अपने मग ए वाले हैंड को डालोगे, तो मग ए में क्या था फ्रेंड्स, मग ए में था ठंडा पानी, तो जब वहां पे था ठंडा पानी तो वो ठंडे पानी से जब आप सी वाले मग में जाओगे तो आपको लगेगा पानी गर्म है। वहीं पे मग बी में जो आपने अपना राइट हैंड डाला था तो मग बी में पानी गर्म था, गर्म पानी से अपना हाथ निकाल के आप सी वाले मग में डालोगे तो आपको लगेगा कि पानी ठंडा है। तो आपको समझ में आ रहा है फ्रेंड्स कि आपका लेफ्ट हैंड जो कि मग ए में था, सी में आते उसे लग रहा है कि पानी गर्म है, और आपका राइट हैंड जो कि मग बी में था जिसमें गर्म पानी था, वो सी में आते लग रहा है कि पानी ठंडा है। तो दो अलग अलग हैंड्स को एक ही समय पे दो अलग अलग तरीके की सेंसेशन हो रही है, दो अलग अलग तरीके की फीलिंग आ रही है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि हम अपने सेंस ऑफ टच पे रिलाई नहीं कर सकते ये पता करने के लिए कि एक ऑब्जेक्ट गर्म है या एक ऑब्जेक्ट ठंडा है, ठीक है। तो फिर हमारे सामने ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हम सही में यह पता कर सकें कि एक ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या कितना ठंडा है? तो इसके लिए जो सबसे रिलायबल मेजर है वो ये नापना, टेम्परेचर को नापना। और ऑब्वियसली बात है, टेम्परेचर को आप एक यूनिट से नापोगे, यूनिट के बारे में मैंने पहले भी बात की थी, यूनिक एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट सिस्टम होता है जो कि पूरी दुनिया में फॉलो किया जाता है, तो आप इसको इंटर कंट्री रिसर्चेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब टेम्परेचर को जब मेजर करने की बात है तो टेम्परेचर को किस डिवाइस से मेजर किया जाता है? तो थर्मामीटर से मेजर किया जाता है। थर्मामीटर बहुत तरीके के होते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर होता है आपका, लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है, प्रोफेशनल थर्मामीटर होता है, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग थर्मामीटर होते हैं। अब हम टेम्परेचर को मेजर करने की बात करते हैं। आपने मान लीजिए थर्मामीटर को देखा, ठीक है, या फिर देखा ही होगा आपने घर में, घर में देखिए सबके नॉर्मली थर्मामीटर होता था, अभी तो क्या है कि मॉडर्न जमाना है तो लोगों के घर में डिजिटल थर्मामीटर्स होते हैं। तो डिजिटल थर्मामीटर्स में क्या होता है कि एक बल्ब होता है, उस बल्ब को आप अपनी टंग के नीचे दबा के रखिए 2 मिनट के लिए और फिर बाप निकाल के टेम्परेचर देख सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिकली लिख के बता देगा टेम्परेचर कितना है आपका। बट पहले क्लिनिकल थर्मामीटर लगभग सबके घर में हुआ करते थे जो कि ग्लास के थर्मामीटर होते थे और उस ग्लास के अंदर एक मरकरी का लेवल दिखाई पड़ता था। तो यहाँ पे क्लिनिकल थर्मामीटर की हम लोग बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। घर पे पहले जब किसी को बुखार हुआ करता था, अभी भी अगर आपको क्लिनिकल थर्मामीटर मिल जाएगा तो जरूर देखिए, जब बुखार होता था किसी को तो इस क्लिनिकल थर्मामीटर से हम लोग उसके टेम्परेचर को मेजर करते। तो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने का थर्मामीटर कौन सा था? क्लिनिकल थर्मामीटर। इसमें करते क्या थे, आपको इसको अपने हाथ में पकड़ना होता था, उसको ठीक से एग्जामिन करना होता था। यहाँ पे आपको कुछ एक क्लिनिकल थर्मामीटर दिखाई पड़ रहा है और ये उसकी मार्किंग्स दिखाई पड़ रही हैं। ऊपर की तरफ आपको 35, 36, 37, ये 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 डिग्री सेल्सियस दिखाई पड़ रहा है और नीचे की तरफ आपको फ़ारेनहाइट दिखाई पड़ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। फ़ारेनहाइट में क्या है, 94, 96, 98, 100, 102 डिग्री, 104 डिग्री, 106 डिग्री, 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपको देख नहीं रहा है बट मैंने बोल के बता दिया। ये करस्पॉन्डिंग नोटिंग्स है, यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर के लिए 2 डिग्रीज का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, एक तो डिग्री सेल्सियस हो गया, एक हो गया डिग्री फ़ारेनहाइट। अभी डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या फर्क होता है इसको भी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्या होता है कि एक लॉन्ग पतली सी यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होती है, इस ग्लास ट्यूब में एक साइड पे बल्ब होता है, इस बल्ब के अंदर मरकरी होती है और वो मरकरी का लेवल ही आपको टेम्परेचर बताता है। आउटसाइड द बल्ब क्या होगा, एक शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन, ठीक है। इफ यू डू नॉट सी द मरकरी थ्रेड, रोटेट द थर्मोमीटर अ बिट टिल यू सी इट। अब ये सब चीजें तो देखिए आपके हाथ में
थर्मोमीटर जब होगा तभी आप इस चीज को समझ पाएंगे। थर्मोमीटर में मर्करी के लेवल और स्केल की मार्किंग को देख के ही आप जान सकते हैं कि टेम्परेचर क्या है। और इस क्लिनिकल थर्मामीटर को भी इस्तेमाल करने का एक प्रॉपर तरीका होता है, ठीक है। तो आपको आइडेंटिफाई क्या क्या करना है, इस बल्ब के अंदर मर्करी है, मर्करी का लेवल देखिए, और एक शाइनिंग थ्रेड दिखेगा आपको मर्करी का, उसको देखिए, तो उससे आपको एग्जैक्ट लेवल पता चलेगा। अब यहां पे क्या है, उन्होंने वंडर किया कि दो स्केल्स कौन से हैं, तो दो स्केल्स मैंने बता दिया आपको, एक डिग्री सेंटीग्रेड, एक डिग्री फ़ारेनहाइट है। इंडिया ने सेल्सियस स्केल अडॉप्ट कर लिया है, बहुत सारी जगहों पे फ़ारेनहाइट स्केल भी इस्तेमाल होता है। जो फ़ारेनहाइट स्केल था उसका रेंज कितना था, 94 से 108 डिग्री, और क्लिनिकल थर्मामीटर में डिग्री सेल्सियस की रेंज क्या होती है, 35 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड। तो भैया आपने देखा होगा घरों में कि नॉर्मली अगर 100 डिग्री से ऊपर बुखार है, 101 डिग्री, 102 डिग्री, तो आप बोलते हो बहुत ज्यादा बुखार हो गया, बहुत ज्यादा बुखार हो गया। वो डिग्री एक्चुअली में डिग्री सेल्सियस नहीं, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है ना। एक ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, ना वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आएगा और ना ही 42 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर आएगा। अब एक एक्टिविटी के थ्रू हम लोग ये पता करेंगे कि हम लोग थर्मामीटर को रीड कैसे करेंगे। अब आप एक काम करिए, जो दो बड़े बड़े मार्क्स हैं उनके बीच के टेम्परेचर डिफरेंस को देखिए और उनके डिविजन्स को आप बराबर बराबर भागों में बांटिए। अब यहां देखिए, इसको बहुत सिंपल सी चीजों से मैं समझाता हूं आपको। यहां पे 36, ठीक है, यहां पे आपको दिख रहा है 36 और यहां पे आपको दिख रहा है 37। तो ये 36 डिग्री सेंटीग्रेड कह लीजिए, 37 डिग्री सेंटीग्रेड देख लीजिए। अब अगर इस 36 डिग्री और 37 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में आपको 10 डिविजन्स दिख रहे हैं, तो आप ऑब्वियस सी बात है इस एक डिग्री को डिवाइड बाय 10 करोगे। अगर आप इनको बिगर मार्क्स के बीच में आपको 5 डिविजन्स मिल रहे हैं, तो आप ऑब्वियस बात है इस डिग्री को डिवाइड बाय 5 करोगे। तो अगर 5 मार्क्स दिख रहे हैं तो एक मार्क बराबर हो जाएगा 1/5.2 डिग्री सेल्सियस के, और अगर 10 मार्क्स दिख रहे हैं तो 1/10 एक मार्क बराबर हो जाएगा 0.1 डिग्री सेल्सियस के। वो डिपेंड करता है आपके थर्मामीटर पर। अब आप एक काम करिए, ढंग से थर्मामीटर को धुलिए। क्लिनिकल थर्मामीटर, खासकर ये जो ग्लास वाला क्लिनिकल थर्मामीटर है, मैं डिजिटल वाले की बात ही नहीं कर रहा हूं, आजकल डिजिटल ही इस्तेमाल होता है, हर घर में डिजिटल थर्मामीटर मिल रहा है, यहां पर क्लिनिकल की इस्तेमाल हो रही बात हो रही है इस बुक में। तो थर्मामीटर को इस्तेमाल करने से पहले एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से धुलिए, इसको ढंग से पकड़िए और इसको खुद जर्क्स दीजिए। जर्क क्यों कर रहे हैं, जर्क इसलिए दे रहे हैं फ्रेंड्स की जो मर्करी का लेवल है ना वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड के भी नीचे आ जाए, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अभी ये देखिए ये थर्मामीटर है और इस थर्मामीटर के एंड पे ये चीज टेम्परेचर मेजर करती है, ठीक है। अब इस चीज को जब आप बॉडी से टच में लेके आओगे तो आपको टेम्परेचर पता चलेगा। तो जब शुरू में आपने मेजर नहीं किया है तो आप देखिए कि जो मर्करी का लेवल है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आ जाए। अब आप एक काम करो, जब ऐसा हो गया और ये आपको कुछ जर्क्स देने के बाद, धो धा के करने के बाद ये आ जाएगा, अगर उस थर्मामीटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। अब ये जो बल्ब है, ये जो मैं यहां पे आपको दिखा रहा हूं, प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर अंडर योर टंग, इसको आपने जीभ के नीचे रखिए। अब ऑब्वियस बात है, इसको आप जीभ के नीचे रख रहे हैं तो साफ सफाई होनी चाहिए इसकी, तो एंटीसेप्टिक से इसीलिए धोने के लिए कहा गया था। एक मिनट तक जीभ के नीचे रखने के बाद थर्मामीटर को अपने मुंह से बाहर निकालिए और उसकी रीडिंग को नोट करिए। जो रीडिंग वहां पर दिखा रहा है वो आपका बॉडी का टेम्परेचर है, और जब भी आप बॉडी का टेम्परेचर बताएं तो डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री फ़ारेनहाइट के साथ बचाएं। नॉर्मली डिग्री सेल्सियस ही यूज किया जाता है, लेकिन टेम्परेचर जब भी हम बताते हैं फ्रेंड्स तो बोलते हैं कि भाई 100 डिग्री हो गया, 101 डिग्री, 102 डिग्री बिफार हो गया, वो फ़ारेनहाइट होता है, डिग्री सेल्सियस नहीं होता। ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, बट 37 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे हो सकता है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब कि अगर आपका 36.8 आ रहा है या 37.4 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बीमार हैं, आप बिल्कुल परफेक्टली फाइन हैं। एक अप्रोक्सीमेट बेसिस 37 डिग्री सेंटीग्रेड को लिया गया है। यहाँ पे कुछ प्रिकॉशंस हैं क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज करने से पहले, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। भाई थर्मामीटर को ठीक से वॉश करिए एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से, खासकर उसके बल्ब को जिसको आपको अपने टंग के नीचे रखना है। फिर जो मर्करी लेवल है, ध्यान दीजिए कि वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे है, क्योंकि अभी आप जब उसको इस्तेमाल करोगे तो मर्करी हिल के आपको टेम्परेचर बताएगी। फिर जो मर्करी, रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ द मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ साइट, अपने आंखों का जो व्यूएबल व्यू का जो एंगल है, ये मान लीजिए आपकी आंखें और जो व्यू का एंगल है उसके सामने बिल्कुल रखिए आप इस मर्करी थर्मोमीटर को, ताकि आप ठीक से इसकी रीडिंग्स को पढ़ पाए।
थर्मामीटर को हैंडल विद केयर करिए, चूंकि ग्लास का होता किसी चीज से टकराया तो टूट भी सकता है। और उसको बल्ब से मत पकड़िए, जब भी आप उसको रीड कर रहे हो तो बल्ब से मत पकड़िए, क्योंकि इसी बल्ब की मदद से आपने अभी टेम्परेचर नापा है अपने टंग को, इस बल्ब को आपने टंग के नीचे रखा था और ये बल्ब आपके टेम्परेचर को नाप रहा था। अब आप इसी बल्ब को अपने फिंगर्स से पकड़ लेंगे तो फिंगर्स का टेम्परेचर आ जाएगा, इसीलिए टंग के नीचे लगाने के बाद आप उस बल्ब से मत पकड़िएगा रीड करते वक्त उसके टेम्परेचर को। अब यहां पे ये दिखाया गया कि पहली एक लड़की है, उसने अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया और एग्जैक्टली 37 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे बस यही बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड ना आके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। वैसे भी देखा जाए फ्रेंड्स, फ़ारेनहाइट स्केल में भी 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट के अगर आपका ऊपर है तो ही आपको बुखार माना जाता है। अभी आपने देखा होगा कि COVID-19 के चक्कर में बहुत सारे डिजिटल थर्मामीटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, वो डिजिटल थर्मामीटर्स आपके सर पे एक रे मार के आपके टेम्परेचर को नापते हैं, तो बस वो यही देखते हैं कि 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर होना, मतलब 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर है तो ही वो बुखार माना जाएगा, उसके नीचे वो बुखार नहीं होता। तो अब आपको करना क्या है कि आप बॉडी टेम्परेचर नापिए अपने कुछ दोस्तों का, उन दोस्तों का नाम यहां लिखिए और उनके बॉडी का टेम्परेचर राइट साइड पे देखिए, देखिए सबका 37 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं आएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वेरिएशन होगा, हर पर्सन का 37 डिग्री नहीं होगा, हो सकता है एक दो का आ भी जाए बट सबका नहीं होगा। सो द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सेंटीग्रेड, या तो थोड़ा ज्यादा हो सकता है या थोड़ा कम हो सकता है। तो यहां पे कहा जा रहा है कि एक्चुअली व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन, यानी बहुत सारे हेल्दी लोगों के बॉडी के एवरेज टेम्परेचर को जब आप निकालोगे तो उसको बोला जाएगा नॉर्मल टेम्परेचर। और चूंकि क्लिनिकल थर्मामीटर का इस्तेमाल केवल ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए किया जाता है, इसलिए ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ना 35 डिग्री से नीचे जाता है और ना ही 42 डिग्री से ऊपर आता है, इसलिए इस थर्मोमीटर की जो मेजरमेंट रेंज है वो केवल 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब देखिए यहां पे ये बात आई कि बुजो को एक आइडिया आया कि हॉट मिल्क का टेम्परेचर हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर से नापते हैं, क्या फायदा है नापने का? ऑब्वियसली नहीं फायदा है। जब देखिए फ्रेंड्स आप मिल्क को बॉयल करते हो तो ऑब्वियसली तो वो बॉयल करने लगता है। अब देखिए पानी को जब आप बॉयल करते हो तो बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो बॉयल करता है। तो मिल्क भी अच्छे खासे टेम्परेचर पे लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही बॉयल कर रहा होगा, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है क्योंकि मिल्क और पानी अलग अलग लिक्विड्स हैं। बट क्लिनिकल थर्मामीटर तो ऑब्वियसली बात है कि सिर्फ 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड का ही टेम्परेचर मेजर कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि इतने हाई टेम्परेचर्स वो मेजर नहीं कर पाएगा। ऊपर से उसका ग्लास सेंसिटिव होता है, हो सकता है कि आप इस तरीके का कुछ काम करें तो थर्मामीटर खराब हो जाए। इसीलिए क्लिनिकल थर्मामीटर का इस्तेमाल ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर के अलावा किसी भी और जगह ना करें। अगर आप इसको किसी फ्लेम के पास लेके आएंगे तो हो सकता है कि वो टूट भी जाए, बहुत ही डेलिकेट होता है। हालांकि आजकल तो इसको इस्तेमाल ही नहीं किया जाता है। अब लैबोरेटरी थर्मामीटर की बात कर लेते हैं, क्योंकि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर तो हमने क्लिनिकल थर्मामीटर से नापा, तो अदर ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर हम लोग कैसे नापेंगे? तो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है लैबोरेटरी थर्मोमीटर का। लैबोरेटरी थर्मोमीटर आपको स्कूल के लैब्स में मिल जाएंगे, आपके टीचर्स जब इस चैप्टर को टेकअप कर रहे होंगे तो वो चीजें आपको बताएंगे। अलग अलग तरीके के, एक छोटा सा नोट है, अलग अलग तरीके के थर्मामीटर का अलग अलग पर्पजेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि वेदर रिपोर्ट पिछले दिन की देखने के लिए पिछले दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर होगा, तो इस तरीके के थर्मामीटर को बोला जाएगा मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर, तो ये वेदर नापने के लिए हो रहा है। लेबोरेटरी थर्मामीटर की हम यहाँ बात करेंगे, क्लिनिकल थर्मामीटर की हमने बात की, तो अलग अलग थर्मामीटर्स का प्रयोग अलग अलग कारणों से होता है। अब जब आप लेबोरेटरी थर्मामीटर की हम बात कर रहे हैं, जब भी आप एक लेबोरेटरी थर्मामीटर पर देखेंगे तो आप उसकी हाइएस्ट और लोएस्ट टेम्परेचर रेंज को देखने, ये जो उसकी लोएस्ट टेम्परेचर रेंज है वो है -डिग्री सेंटीग्रेड, जो हाइएस्ट टेम्परेचर रेंज है वो है 110 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी -10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 110 डिग्री सेंटीग्रेड पॉजिटिव तक के टेम्परेचर्स को ये मेजर कर सकता है, यानी बॉइलिंग वाटर तक के टेम्परेचर्स को ये मेजर कर सकता है। अब आपने देखा कि भाई क्लिनिकल थर्मामीटर सिर्फ 35 से 42 कर रहा है, लेकिन भाई लैबोरेटरी तो आपका -10 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। अब यहां पे सवाल आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि भाई अगर क्लिनिकल थर्मामीटर से हम लोग 35 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक नाप सकते हैं और ये लैबोरेटरी थर्मामीटर तो
-10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक नाप रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक लेबोरेटरी थर्मामीटर खरीद लेते हैं और लेबोरेटरी थर्मामीटर से हम लोग अपने बॉडी का टेम्परेचर ही पता कर सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, उसका हम रीजन देखेंगे। लेबोरेटरी थर्मामीटर इज नॉट द राइट थर्मामीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्यों नहीं है राइट थर्मामीटर, इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है, एक्टिविटीज चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। आप एक बीकर में या एक मग में कुछ टैप का पानी लीजिए, जो आप नलका खोलिए, नलके से पानी आता है उसको भरिए, फिर इस लेबोरेटरी थर्मामीटर को उस पानी में डुबोइए, ताकि जो थर्मामीटर का बल्ब है वो पानी में इमर्स रहे, बट उस बीकर के या उस मग के किसी की साइड को ना छुए, और थर्मामीटर को वर्टिकली होल्ड करिए, और फिर इस थर्मामीटर के अंदर जो मरकरी है इसके मूवमेंट को ऑब्जर्व करिए, और तब तक इस थर्मामीटर को स्टडी रखिए तब तक वो मरकरी का मूवमेंट रुक ना जाए, वो मरकरी का थ्रेड रुक ना जाए। देखिए ये रहा लेबोरेटरी थर्मामीटर, कितना लंबा सा दिख रहा है, आपने बीकर के अंदर डाला, इसको स्टिल रखा और बिल्कुल वर्टिकल पोजीशन में रखा है, तो इस पोजीशन में रख के आपको इसको मेजर करना है। ठीक है, अच्छा, जो प्रिकॉशंस आपको क्लिनिकल थर्मामीटर में लेने थे वो तो आपने लिए ही ले, लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज करते वक्त आपको कुछ प्रिकॉशंस और लेने हैं, कि आप जब भी लेबोरेटरी थर्मामीटर का प्रयोग करेंगे उसको अपराइट रखेंगे, यानी सीधा वर्टिकल रखेंगे, उसको टिल्ट नहीं करेंगे। प्लस बल्ब जो है, ये जो नीचे आपको इस लेबोरेटरी थर्मामीटर का जो बल्ब दिख रहा है, ये चारों तरफ से उसी सब्सटेंस से घिरा होना चाहिए जिसका टेम्परेचर आपको मेजर करना है, यानी वो किसी ऐसी सब्सटेंस को ना छुए जिसका टेम्परेचर आपको नहीं मेजर करना है। क्योंकि आप समझ सकते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर फ्रेंड्स -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज में मेजर कर रहा है, तो ये काफी सेंसिटिव होता है, इसलिए केवल इस उस मीडियम से इसको टच कराइए जिसका आपको टेम्परेचर मेजर करना है, जिसका टेम्परेचर मेजर नहीं करना है उस मीडियम से इसको टच मत कराइए। अब इसकी इस तरीके से करने के बाद आप इस थर्मरी जहां पे भी मरकरी का थ्रेड रुके वहां पे रीडिंग रीड करिए, और आपको पता चल जाएगा कि टेम्परेचर क्या है वाटर कोर्स टैंक पे। ठीक है, और फिर आप टेम्परेचर ऑफ वाटर को रिकॉर्ड करिए, तो अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग जितना हो सके इस एक्सपेरिमेंट को अपने क्लास में करें और वाटर के टेम्परेचर को रिकॉर्ड करने की कोशिश करें। तो अब यहां पे बूझो के समझ में आ रहा है कि क्लिनिकल थर्मामीटर को हाई टेम्परेचर्स मेजर करने के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता। ऑब्वियस सी बात है कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसकी रेंज ही 35 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हाई टेम्परेचर के लिए वो इस्तेमाल नहीं हो सकता। बट लेबोरेटरी थर्मामीटर हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा सकता, इसकी हम बात करते हैं। ये यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। आप एक काम करिए, एक बीकर में हॉट वाटर लीजिए और उसमें थर्मामीटर को डिबो दीजिए, और फिर देखिए कि मरकरी थ्रेड स्टडी हो जाए और उसके टेम्परेचर को नोट कर लीजिए, और फिर आप उस थर्मामीटर को पानी से बाहर निकालिए। जैसे ही आप थर्मामीटर को पानी से बाहर निकालोगे आप देखोगे कि मरकरी का लेवल फॉल करने लगेगा, बदलने लगेगा। यानी कि लेबोरेटरी थर्मामीटर में खास बात थी कि मरकरी का थ्रेड जब तक पानी के टच में था, जब तक पानी को छू रहा था, तब तक वो पानी का टेम्परेचर बता रहा था। जैसे ही वो पानी के टच से बाहर निकला उसकी टेम्परेचर रीडिंग बदलने लगी। और आपने ये देखा होगा फ्रेंड्स कि जब आप क्लिनिकल थर्मामीटर से अपना टेम्परेचर नापते हैं तो थर्मामीटर को अपने मुंह से निकालने के बाद भी आप देखेंगे कि उसकी रीडिंग चेंज नहीं होती है, क्लिनिकल थर्मामीटर की रीडिंग वही रहती है। यानी कि मान लीजिए आपको 40 डिग्री सेंटीग्रेड बुखार निकल के आया है तो वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही मरकरी का थ्रेड रुका रहेगा, गिरेगा नहीं। लेकिन लेबोरेटरी थर्मामीटर में जैसे ही आप जिस चीज का टेम्परेचर मेजर कर रहे हो उससे उसके बल्ब को बाहर निकालोगे, मरकरी का लेवल चेंज होने लगेगा, डिपेंडिंग कि अब उस लेबोरेटरी थर्मामीटर के बल्ब से क्या टच में है। तो ऑब्वियस बात है, जब गर्म पानी में डाला था तो टेम्परेचर ज्यादा था, गर्म पानी से निकालेंगे तो टेम्परेचर गिरने लगेगा। तो आपको यह समझ में आया कि जैसे ही आपने उस बल्ब को, लेबोरेटरी थर्मामीटर के बल्ब को बाहर निकाला गर्म पानी से, उसका टेम्परेचर बदलने लगा। अब आप यहां पर समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि अगर इस लेबोरेटरी थर्मामीटर को आपने ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया, तो जैसे ही आप ह्यूमन बॉडी के टंग के नीचे से थर्मामीटर को हटाएंगे उसका मरकरी का लेवल गिरने लगेगा, आपको एक्यूरेट रीडिंग बॉडी के टेम्परेचर की पता नहीं चलेगी। इसीलिए कभी भी ह्यूमन बॉडी का बुखार नापने के लिए लेबोरेटरी थर्मामीटर का प्रयोग नहीं किया जाता। अच्छा, क्लिनिकल थर्मामीटर की जो मरकरी है
वो फॉल या राइज क्यों नहीं करती माउथ से निकालने के बाद? उसका रीजन ये होता है कि ये देखिए, ये क्लिनिकल थर्मामीटर का किंक है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका सॉरी ये आपका बल्ब है और इस बल्ब के पास छोटा सा यहाँ पे किंक नजर आ रहा है। एक्चुअली ये किंक क्या करता है, ये किंक जैसे ही आप उसको अपने टंग के नीचे से थर्मामीटर को बाहर निकालोगे, वो मर्करी के फॉल और राइज को नहीं होने देगा, ये इस किंक का काम होता है, ठीक है। तो ये जो किंक आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस किंक का यही काम है कि एक बार आपने क्लिनिकल थर्मामीटर को ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया और मुंह से बाहर निकाला, तो उसका मर्करी गिरेगा या बढ़ेगा नहीं। बट लेबोरेटरी थर्मामीटर में ऐसा कोई किंक नहीं होता, जैसे आप उस बल्ब को बाहर निकालोगे मर्करी गिरने या बढ़ने लगेगी, डिपेंडिंग अपॉन आप किस मीडियम में उसके बल्ब को ले गए हो। लेकिन यहाँ पे अब आपको पता है आज की डेट में क्या हो रहा है फ्रेंड्स, की बहुत सारा कंसर्न आ रहा है, ये जो क्लिनिकल थर्मामीटर हुआ करते थे और ये जो आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर हुआ करते थे जो ग्लास के होते थे, इसमें प्रॉब्लम ये थी कि इसमें मर्करी होता था और मर्करी का पॉल्यूशन बहुत ज्यादा आजकल न्यूज में, मर्करी एक बहुत ही तगड़ा टॉक्सिक सब्सटेंस है। अगर आप मर्करी की बात करो फ्रेंड्स, तो एक पूरा का पूरा मिनीमाटा कन्वेंशन साइन हुआ है मर्करी के पॉल्यूशन को रोकने के लिए। एक मिनीमाटा डिजीज है, बहुत डेडली डिजीज थी जो कि शुरू हुई थी जापान में मर्करी टॉक्सिक पॉल्यूशन की वजह से। तो उस चीज को रोकने के लिए भाई पूरी दुनिया भर में मर्करी के प्रयोग को रोकने की बात की जा रही है। और चूंकि अगर आप मर्करी के प्रयोग को रोकने की बात कर रहे हो, तो आपको उसके अल्टरनेटिव्स लेके आने पड़ेंगे। तो अल्टरनेटिव्स के फॉर्म में आया ये डिजिटल थर्मामीटर। डिजिटल थर्मामीटर में भी आपको यहाँ एक बल्ब नजर आ रहा है, इस बल्ब को अपने टंग के नीचे रखिए, आर्मपिट में रखिए, ये आपका टेम्परेचर तुरंत बता देगा। अच्छा एक और चीज मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तो मैंने आपको बता दिया, बट डिग्री सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट का कन्वर्जन नहीं बताया। तो कन्वर्जन देख लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ये 40 फ़ारेनहाइट यहाँ पे लिखा हुआ। तो कन्वर्जन का तरीका क्या है, यहाँ कैलकुलेशन वाले कॉलम में देखिए, 40 डिग्री सेंटीग्रेड को आपने 9 से मल्टीप्लाई किया और 5 से डिवाइड किया। तो 40 इंटू 9 बाई 5 क्या होता है, 8 इंटू 9 72, और इस 72 में आपने 32 जोड़ दिया। तो इन डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर है सी, तो सी इंटू 9 बाई 5 प्लस 32, तो ये बराबर आ जाएगा आपका फ़ारेनहाइट के। और अगर आपके पास फ़ारेनहाइट में है टेम्परेचर और आपको सेल्सियस में बदलना है, तो आप क्या करोगे, तो उस टेम्परेचर से पहले आप 32 को माइनस करोगे और उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको आप 5/9 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब मैंने क्या बोला है? इसको फिर से रिपीट करके देखिए कि मैंने क्या बोला, आपको समझ में आ जाएगा। तो एक्चुअली एक फॉर्मूला है, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट क्या है, इंटू 9/5 प्लस 32, इसको उल्टा कर दीजिए तो फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस मिल जाएगा। बेसिक मैथ है ये। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट की। अब हम हीट ट्रांसफर की बात करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि जब भी आप चाय बनाते हैं और वो जो चाय का पतीला है, या फिर फ्राइंग पैन में अगर आप अंडे फ्राई करते हैं और वो जो पतीला है, अगर तो उसके हैंडल पे प्लास्टिक लगा है या वुड लगा है, तो आपके हाथ में गर्मी नहीं लगेगी। पर अगर वो स्टील का ही हैंडल है, तो जैसे जैसे चाय का पतीला गर्म होगा, वैसे वैसे वो गर्मी उसके हैंडल तक भी पहुंचेगी और आप हैंडल को सीधे सीधे हाथ से नहीं पकड़ सकते, आपका हाथ जल जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीके का ट्रांसफर ऑफ हीट हुआ, समझ गए। उसके बाद एक और ट्रांसफर ऑफ हीट है कि एक फ्राइंग पैन को जब आपने फ्लेम के ऊपर रखा, तो फ्राइंग पैन गर्म होने लगा। अब उस गर्म फ्राइंग पैन में आप कोई चीज फ्राई कर सकते हैं, अंडे बना सकते हैं, तो ये भी एक तरीके का गर्म होना हुआ। फिर जैसे ही आप क्या करोगे कि काम करने के बाद आप फ्लेम बंद करोगे और उस पैन को फायर से हटा दोगे, तो फिर आप देखोगे कि धीरे धीरे वो पैन कुछ देर बाद, लगभग 15 से 20 मिनट बाद पूरा ठंडा हो जाएगा। तो वो पूरा ठंडा हो गया, उसकी पूरी पूरी हीट चली गई, तो ये भी एक तरीके से ट्रांसफर ऑफ हीट है। तो ये सब ट्रांसफर ऑफ हीट है। आपने उस फ्राइंग पैन को फ्लेम के ऊपर रखा और जो उसका हैंडल है, वो हैंडल में अगर प्लास्टिक या वुडन कवरिंग नहीं लगी, तो हैंडल गर्म हो जाएगा, ये भी ट्रांसफर ऑफ हीट। आपने फ्राइंग पैन को गर्म किया, उसमें खाना पकाया, तो फ्राइंग पैन गर्म हो गया बर्नर के ऊपर रखने की वजह से या फ्लेम के ऊपर रखने की वजह से, ये भी ट्रांसफर ऑफ हीट है। और जब खाना बन गया, आपने फ्लेम बंद करके उस फ्राइंग पैन को उठा के कहीं और रख दिया, वो थोड़ी देर बाद ठंडा हो गया, ये भी एक तरीके का ट्रांसफर ऑफ हीट है। तो कुल मिला के ये समझ में आ रही है बात कि ट्रांसफर ऑफ हीट एक पैटर्न में हो रहा है। ट्रांसफर ऑफ हीट हो रहा है फ्रॉम द हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर ऑब्जेक्ट। जो गर्म चीज है उससे ठंडी चीज की तरफ आपकी हीट जा रही है। ये एक बेसिक हमको यहाँ पे समझ में आया। तो यहाँ पे पहले की दिमाग में एक चीज आई कि अगर टेम्परेचर किसी दो ऑब्जेक्ट्स का बराबर है तो हीट ट्रांसफर नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। अगर टेम्परेचर किसी दो ऑब्जेक्ट्स का अलग अलग है और वो एक दूसरे के टच में है, तो जब तक उनका टेम्परेचर एक नहीं हो जाता, तब तक उनके बीच में हीट फ्लो करती रहेगी। ये बात बिल्कुल सही है।
अब बात आती है यहां पे हीट का ट्रांसफर हमने देखा, बट ये हीट ट्रांसफर होती कैसे है इसको समझना है। तो इसके लिए तीन प्रोसेस होते हैं, उनको हम यहां समझेंगे। एक प्रोसेस होता है आपका कंडक्शन, एक होता है कन्वेक्शन, एक होता है रेडिएशन। और ये तीन तरीके के प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करने के लिए। आप एक काम करिए, एक रॉड या फ्लैट स्ट्रिप ऑफ मेटल लिया आपने, यहां पे देखिए एक रॉड और फ्लैट स्ट्रिप ऑफ मेटल है, एल्यूमिनियम की बनी हुई है, आयरन की बनी हुई है। एल्यूमिनियम और आयरन की बनी हुई हमने क्यों ली, क्योंकि देखिए एल्यूमिनियम और आयरन हीट ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आप वुड की बात करोगे ना फ्रेंड्स, तो वुड हीट ट्रांसफर एफिशिएंटली नहीं करता है, बट एल्यूमिनियम आयरन ये वुड ट्रांसफर सॉरी ये हीट ट्रांसफर कर सकते हैं। आप इस एल्यूमिनियम और आयरन में नीचे की तरफ कुछ वैक्स पीसेस चिपकाइए थोड़ी थोड़ी दूरी पे। तो ये आयरन में आपने यहां पे एक वैक्स चीज चिपकाया था, यहां एक चिपकाया था, यहां एक चिपकाया था, यहां एक चिपकाया, यहां एक चिपकाया, ये वैक्स पीसेस आपने चिपका रखे। अब आपने इस रॉड को एक स्टैंड में लगा दिया, और मान लीजिए आपको स्टैंड नहीं मिला, तो दो पत्थरों दो ईंटों के बीच में आपने इस रॉड को फंसा दिया। अब आपको क्या करना है, एक कैंडल लेके जो इस रॉड का दूसरा कोना है ना, जो ओपन टू एयर है, वहां पे इसको गर्म करना शुरू करना है। वैक्स पे नहीं, जहां वैक्स वैक्स लगी है वहां नहीं, वैक्सेस तो दूर लगी हुई है, पहली वन यहां लगी, वन नंबर पे, दूसरी टू नंबर पे, तीसरी तीन नंबर पे, चौथी चार नंबर पे, पांचवी पांच नंबर पे। और आपने इस कोने पे इसको कैंडल से हीट करना शुरू किया। थोड़ी देर बाद देखेंगे कि वन नंबर वाली जो वैक्स है फिर गिरेगी, उसके थोड़ी देर बाद टू नंबर वाली वैक्स गिरेगी, उसके थोड़ी देर बाद तीन नंबर वाली वैक्स गिरेगी, उसके थोड़ी देर बाद चार नंबर वाली वैक्स गिरेगी, और एंड में पांच नंबर वाली वैक्स गिरेगी। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि वो हीट जो आप इसके कोने पे इस एंड पे दे रहे हैं, वो हीट धीरे धीरे इस रॉड से ट्रांसफर हो रही है दूसरी तरफ। और जब वो हीट इस वन के पास पहुंचेगी, तो वो वैक्स को पिघला के नीचे गिरा देगी। वही हीट जब थोड़ी देर बाद टू के पास पहुंचेगी, थ्री के पास पहुंचेगी, फोर के पास पहुंचेगी, तो वो वैक्स को पिघला के गिरा देगी। तो भाई जो हीट है वो ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड, और यहां पे जो ट्रांसफर हो रहा है वो एक कंडक्शन के प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। तो सॉलिड में, सॉलिड्स की बात कर रहा हूं, सॉलिड में जब भी हीट ट्रांसफर होगी तो वो किस माध्यम से होगी, वो कंडक्शन के माध्यम से होगी। अब यहां पे सवाल होता है कि हीट ट्रांसफर हुई कंडक्शन के माध्यम से, क्या सारे सब्सटेंस इतनी आसानी से हीट को ट्रांसफर करते हैं? अभी मैंने आपको बताया कि अगर एक फ्राइंग पैन है, अगर उसके हैंडल पे एक वुडन एलिमेंट लगाओ, हैंडल लगाओ, या फिर एक प्लास्टिक एलिमेंट लगाओ, तो आप उसको आराम से पकड़ के कुक कर सकते हैं, चाय बना सकते हैं, अंडे फ्राई कर सकते हैं, आपका हाथ नहीं जलेगा। तो ये वुडन हैंडल और प्लास्टिक हैंडल क्यों लगाए जाते हैं? ये इसलिए लगाए जाते हैं कि ये वुडन हैंडल प्लास्टिक हैंडल ये गुड कंडक्टर्स नहीं है हीट के, इसलिए ये जो कंडक्शन का प्रोसेस है हीट को ट्रांसफर करने का, वो वुड को या फिर प्लास्टिक को इतनी आसानी से इफेक्ट नहीं करेगा, इसलिए आपका हाथ नहीं जलेगा। और तब आप एक पैन को खाना बनाते वक्त आसानी से अपने हाथ में उठा सकते हैं। तो कंडक्शन का प्रोसेस सारे सॉलिड्स में नहीं होता है। जैसे हमने दो एग्जांपल्स देखे, एक एग्जांपल देखा हमने वुड और एक एग्जांपल हमने देखा प्लास्टिक, जहां पे कंडक्शन उतनी आसानी से नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कंडक्शन आपको पूरी तरीके से समझ में आया आई होप। यहां पे एक और एक्टिविटी देखते हैं। अब एक एक्टिविटी से इसको समझने की कोशिश करेंगे। यह है एक्टिविटी आपकी 4.7। आप एक काम करो, पानी को गर्म करो और उसको छोटे से पैन या बीकर में डालो, ये ऊपर के फिगर में भी आपको दिखाता हूं, और उसमें कुछ आर्टिकल्स डालिए, जैसे कि एक स्टील स्पून डाल दीजिए तो स्टील का बना हुआ, प्लास्टिक स्केल डाल दीजिए, पेंसिल डाल दीजिए, डिवाइडर डाल दीजिए। इनका एक एंड हॉट वाटर में रहे और दूसरा एंड बाहर की तरफ रहे। तो यहां पे एक टेबल है, आपने आर्टिकल डाला, मटेरियल विच द आर्टिकल इज मेड ऑफ, डज द अदर एंड गेट हॉट, यस और नो। तो अब देखिए यहां पे ये गर्म पानी आपने अंदर डाला है। अब इसमें जो पेंसिल है फ्रेंड्स, ऑब्वियस ही बात है कि पेंसिल इज वुड एंड वुड इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो वुड का जो दूसरा कोना होगा वो गर्म नहीं होगा। उसी तरीके से प्लास्टिक स्टेल है, प्लास्टिक भी बने हुई है, तो भले ही प्लास्टिक का नीचे वाला हिस्सा गर्म पानी में, बट प्लास्टिक के ऊपर वाला हिस्सा गर्म नहीं होगा। लेकिन अगर आप स्पून की बात करोगे, अगर स्टील का स्पून पानी गर्म पानी के अंदर है, तो अगर उसका एक हिस्सा गर्म हो रहा तो ये कंडक्शन करेगा और इसका दूसरा हिस्सा भी गर्म हो जाएगा। तो प्लास्टिक स्केल में आपको गर्मी नहीं महसूस होगी, वुडन पेंसिल में गर्मी नहीं महसूस होगी, स्टील स्पून में गर्मी महसूस होगी। ये जो डिवाइडर है, जो कंपास है, अगर ये भी स्टील वाला है या आयरन वाला है, तो इसके भी दूसरे एंड पे आपको गर्मी महसूस होगी। तो आपको एक तरफ पे आप गर्म कर रहे हो
और दूसरे तरफ पे आपको गर्मी महसूस होगी या नहीं होगी वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो मटेरियल अपने थ्रू हीट को क्या आसानी से पास करने दे रहा है। अगर करने दे रहा है तो वो कंडक्टर है, और कंडक्टर ऑफ हीट कौन कौन से मेटल, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, तो एल्यूमिनियम इज अ कंडक्टर ऑफ हीट, आयरन इज अ कंडक्टर ऑफ हीट, कॉपर इज अ कंडक्टर ऑफ हीट। वहीं पे वो मटेरियल जो हीट को आसानी से अपने थ्रू पास ना करने दे वो होते हैं पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, जैसे प्लास्टिक इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, वुड इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट के, इसलिए इनको इंसुलेटर बोला जाता है। इसीलिए आप देखोगे फ्रेंड्स कि जो हवा है हमारे चारों तरफ, ये जो एयर है ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, जो वाटर है दिस इज ऑल्सो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करो तो क्या आपका जो हवा है क्या दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आप बोलोगे नहीं। बट क्या वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या वाटर इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से कंडक्ट करता है? बिल्कुल करता है फ्रेंड्स, करंट लग जाएगा अगर पानी में, अगर वाटर में आपने कोई इलेक्ट्रिक वायर डाल दी। ह्यूमन बॉडी की जहां तक बात होती है तो जब इलेक्ट्रिक करंट की बात हुई थी मैंने आपको बताया था ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कंडक्टर किस चीज का है ये भी ध्यान रखिएगा, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन की बात हो रही थी, यहां पर हीट कंडक्शन की बात हो रही है, समझ गए? तो आपने देखा कि याद रखिएगा वाटर एंड एयर दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, ये आसानी से हीट को ट्रांसफर नहीं करते। अब एक और एक्टिविटी देखते हैं, ये एक्टिविटी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे आपको ये एक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। आप एक राउंड बॉटम फ्लास्क लीजिए, फ्लास्क नहीं है तो आप बीकर भी ले सकते हैं, फ्लास्क कुछ इस टाइप का यहां पे दिख रहा है, राउंड बॉटम है फ्लास्क का। अब आपको क्या करना है, इसको 2/3 वाटर से भरना है, इसको एक ट्राइपॉड पे रखिए, ट्राइपॉड पे कुछ इस तरीके से रखिए कि नीचे से आप एक कैंडल रख के या कोई फ्लेम रख के इसको गर्म कर सके, और पानी जब आप रखें तो आप ये इंतजार करें कि पानी बिल्कुल स्टिल हो, एकदम मूवमेंट ना हो पानी में, और फिर इसमें एक क्रिस्टल डाल सकते हैं पोटेशियम परमैंगनेट का एट द बॉटम ऑफ फ्लास्क। ज्यादातर जो पोटेशियम परमैंगनेट आपको मिलता है वो पाउडर्ड फॉर्म में मिलता है, क्रिस्टल फॉर्म में शायद ना मिले, पाउडर्ड फॉर्म में मिलता है। तो पाउडर्ड फॉर्म को उसके बॉटम तक पहुंचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि पाइप डुबोइए और बिल्कुल बॉटम मिडिल बॉटम से उस पाइप को टच कराइए, और उस पाइप में ऊपर से एक ब्रॉड पाइप ले लीजिए, उस पाइप में ऊपर से आप थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट डाल सकते हैं जो सीधे सीधे बॉटम पे जाके जमा हो जाएगा। अब यहां पे करने की कोशिश क्या की जा रही है, पोटेशियम परमैंगनेट को देखोगे तो वॉयलेट कुछ पर्पल कलर का कलर होता है पोटेशियम परमैंगनेट का। अब यहां पे ये सब काम किया क्यों जा रहा है, यहां पे आपको बता देता हूं फ्रेंड्स। यहां पे तो बहुत बड़े सा आपको एक पूरा का पूरा स्टोव ही नजर आ रहा है, नीचे से मान लीजिए आपने कैंडल जलाई और यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट पड़ा हुआ है। जैसे जैसे आप हीट करोगे ना आपको देखेगा कि बिल्कुल स्टिल वाटर से हीट करना शुरू करना, पोटेशियम परमैंगनेट थोड़ा सा ऊपर जाना शुरू होगा, हल्का हल्का ऊपर उड़ना शुरू होगा, ठीक है? और ऊपर जाने के बाद आप देखोगे कि कुछ पोटेशियम परमैंगनेट कुछ इस तरीके से करके नीचे आ रहा है। ये प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस ये है फ्रेंड्स कि जब नीचे की पानी की ड्रॉपलेट्स गर्म हुई तो गर्म होने के बाद वो हल्की हुई और वो ऊपर की तरफ गई, और ऊपर चूंकि वो गर्म हुई हल्की हुई तो ऊपर की तरफ गई, और जो कोल्डर वाटर ड्रॉपलेट्स जो कि ऊपर थी वो नीचे की तरफ सिंक करने लगेंगी कोने से आके। तो ये एक प्रोसेस दिख रहा है आपको, तो हीट के चलते वाटर ड्रॉपलेट्स गर्म हुआ बीच के वो नीचे से ऊपर की तरफ गई, और ऊपर की जो ठंडी ड्रॉपलेट्स थी वो साइड से नीचे की तरफ आ गई, और ये प्रोसेस कंटिन्यू करेगा जब तक पूरा का पूरा पानी हीट नहीं हो जाता। और ये जो हीट ट्रांसफर का प्रोसेस है इसको बोलते हैं कन्वेक्शन। बीच से पहले ड्रॉपलेट्स ऊपर उठी जहां से आपने उसको हीट देनी शुरू की, ऊपर की तरफ गई। यहां पे देखिएगा इस तरीके से हीट मत दीजिएगा, बस एक कैंडल जलाइएगा नीचे, सिर्फ इस जगह पे हीट लगे, इतनी जगह पे हीट लगे ये कोशिश करिएगा, ठीक है? तो आप देखेंगे कि नीचे से पोटेशियम परमैंगनेट हल्का सा ऊपर, ये पोटेशियम परमैंगनेट को डाला ही इसलिए गया है पानी में क्योंकि ये वॉलेट कलर का होता है, तो जैसे जैसे पानी उठेगा ना उसके साथ वो पोटेशियम परमैंगनेट उठता हुआ दिखेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको उस वाटर की ड्रॉपलेट का मूवमेंट नजर आएगा जो कि नीचे कैंडल से गर्म हो गई है, तो वो वाटर ड्रॉपलेट नीचे कैंडल से गर्म हो गई है वो ऊपर उठेगी अपने साथ पोटेशियम परमैंगनेट को उठा के उठेगी, तो उस पोटेशियम परमैंगनेट के मूवमेंट से आपको पता चलेगा कि पानी का मूवमेंट क्या हो रहा है। फिर ऊपर की जो ठंडी लेयर है वो धीरे धीरे पानी ऐसे धीरे धीरे नीचे आएगा थोड़ी थोड़ी देर पे, ये सब चीजें आपको पोटेशियम परमैंगनेट से और बहुत क्लीन तरीके से नजर आएंगी, इसीलिए आपने पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल को डाला था पानी में। तो इस प्रोसेस को बोलते हो आप, इस हीट ट्रांसफर के प्रोसेस को आपने बोला कन्वेक्शन। तो एक चीज तो आपको समझ में आई भैया कि कन्वेक्शन
लिक्विड में हो रहा है, यहां पे हमने लिक्विड का एग्जांपल दिया है तो अभी लिक्विड में हो रहा है। अब अगर हम हीट की बात करें तो हीट हवा में कैसे चलती है, हाउ डज हीट ट्रेवल इन एयर, तो आपने देखा होगा कि भाई कभी कभी स्मोक हो, आपने किसी लकड़ी को जलाया, ठीक है, और लकड़ी को जब आपने जलाया तो स्मोक उठती है, धुआं उठता है, वो धुआं ऊपर की तरफ जाता है। तो जब आपने किसी चीज को गर्म किया, सरफेस के पास की हवा को गर्म किया, तो वो गर्म होगी, गर्म होगी तो हल्की होगी, हल्की होगी तो ऊपर की तरफ उठेगी। जब वो ऊपर की तरफ उठेगी तो जहां से वो हवा उठी है वहां पे वैक्यूम हो जाएगा, वहां पे हवा नहीं है, तो साइड से जो हवा है वो बह के उठी हुई हवा की जगह पे जो जगह खाली पड़ी है ना उसको भर देगी। यहां पे भी कुछ इस तरीके का ही हो रहा है फ्रेंड, समझ रहे हैं ना, कि आपने किसी एक जगह पे कुछ चीज गर्म की, ठीक है, तो चाहे आपने गर्म किया वो खुद से हो गई, तो गर्म होने के बाद वो हल्की होकर ऊपर उठेगी। अब जब वो ऊपर उठ गई तो जहां पे वो थी वहां पे वैक्यूम हो जाएगा, तो उस वैक्यूम को भरने के लिए अगल बगल से हवा बहके आके उस प्लेस को भर लेगी। ये भी एक तरीके का कन्वेक्शन ही है, इसको एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। एक कैंडल जलाइए और अपना एक हाथ उस कैंडल से ऊपर रखिए, थोड़ा दूर रखिए ताकि हाथ ना जल जाए, और एक हाथ साथ में रखिए कुछ इस तरीके से। यहां पे दिख रहा है, एक कैंडल जलाई आपने, एक कैंडल को ऊपर, एक हाथ को ऊपर की तरफ रखा कैंडल को, और एक कैंडल से थोड़ा इस साइड पे रखा। अब ये हम कह क्यों रहे हैं, आपको कौन सा हाथ गर्म लगेगा, आप देखोगे कि जो आपने कैंडल के ऊपर हाथ रखा है वो गर्म लगेगा, साइड वाला हाथ आपको गर्म नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि कैंडल ये जो जल रही है इसके पास की जो हवा है ये गर्म हो रही है, जब ये गर्म हो रही है तो ये हल्की हो रही है, ऊपर उठ रही है, जब ऊपर उठ रही है गर्म हवा तो ऑब्वियसली बात है वो आपके हैंड को स्ट्राइक करेगी तो आपको गर्मी लगेगी। लेकिन ये हवा ऊपर उठ रही है, साइड की तरफ नहीं जा रही, इसलिए साइड में जो हाथ है ना उसको गर्मी नहीं लगेगी। तो इसीलिए ये चीज दिखाता है कि भाई गर्म चीज ऊपर उठी और उसकी जगह भरने के लिए साइड से एयर आके उसकी जगह पे बैठ गई, तो इस प्रोसेस को बोला गया कन्वेक्शन। ठीक है, तो इस कन्वेक्शन के थ्रू एक बहुत अच्छा फिनोमिना देखने को मिलता है कोस्टल एरियाज में, जिसकी वजह से कोस्टल एरियाज में कभी कभी बड़ा सुहावना सा मौसम हो जाता है, खासकर शाम के समय पे अगर आप किसी कोस्टल एरिया में रह रहे हैं। होता क्या है, देखिए एक चीज होती है स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट लैंड की भी होती है और स्पेसिफिक हीट वाटर की भी होती है। अब उस स्पेसिफिक हीट के चलते जो लैंड होता है ना फ्रेंड्स, वो बहुत जल्दी गर्म होता है और बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है, लेकिन जो ओशन है, जो पानी है, वो ना उतनी जल्दी गर्म होगा और ना ही वो उतनी जल्दी ठंडा होगा। तो लैंड बहुत जल्दी गर्म होगा, बहुत जल्दी ठंडा भी होगा, पानी ना जल्दी गर्म होगा, पानी ना जल्दी ठंडा होगा। अब देखिए दिन के समय पे धूप पड़ी, लैंड गर्म हो गया, लैंड गर्म हो गया तो लैंड पे जो हवा थी वो भी गर्म हो गई, गर्म होने की वजह से वो हल्की हुई और ऊपर की तरफ उठी। अब ऊपर की तरफ जब हवा उठी तो लैंड पे हवा है नहीं, तो सी की तरफ से हवा बहती हुई आएगी, जो लैंड के ऊपर से हवा उठी थी ऊपर की तरफ, तो नीचे जो वैक्यूम बन गया उस वैक्यूम को फिल करने के लिए सी के पास से हवा दौड़ती हुई अंदर की तरफ आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि आपको पता है कि ओशंस के ऊपर, पानी के ऊपर अभी उतनी तेज गर्मी नहीं आई है, लेकिन लैंड बहुत जल्दी गर्म हो जाता है तो उसके ऊपर इतनी गर्मी आ गई कि हवा उड़ गई, बट सी की जो ऊपर जो हवा है वो अभी उतनी गर्म नहीं है। समझ गया आप बात को? इसको बोला जाता है सी ब्रीज। तो सर द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी टू कंप्लीट द साइकिल। अच्छा, जो हवा ऊपर उठी थी लैंड से वो सी की तरफ जाएगी साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। तो कुछ इस टाइप का बन रहा है कि मान लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, ये है लैंड और ये है समुंदर। तो दिन के समय पे लैंड के ऊपर की हवा गर्म हुई, वो ऊपर उठी तो यहां खाली हो गया, तो इस खाली को भरने के लिए सी के ऊपर जो हवा थी वो ऐसे आई, तो सी के ऊपर हवा ऐसी आई, पर ये जो लैंड के ऊपर से जो हवा ऊपर उठी थी ना वो यहां पे इस तरीके से बह के गई और उसने साइकिल को पूरा किया। तो कुछ इस तरीके का साइकिल बन रहा है जिसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी है, और ये जो हवा आई ना सी की तरफ से, इसको बोला जाता है सी ब्रीज। और इसीलिए कोस्टल एरियाज के जो घर होते हैं जो सी की तरफ फेस करते हैं, ये ठंडी सी ब्रीज उनको लगे, इसलिए वो अपने घर की खिड़कियों को खोल देते हैं ताकि ठंडी सी ब्रीज उनके घर के थ्रू निकले। समझ गए? अब ये तो हो गया दिन का प्रोसेस, रात के प्रोसेस में क्या होगा? रात के प्रोसेस में एग्जैक्ट उल्टा हो जाता है। उल्टा कैसे होगा फ्रेंड्स? कि भाई रात के समय पे जो वाटर है
वो जल्दी कूल डाउन नहीं होगा, लैंड तुरंत कूल डाउन होगा। मैंने आपको बताया ना स्पेसिफिक हील के चलते लैंड गर्म भी बहुत जल्दी होता है, ठंडे भी बहुत जल्दी होता है। तो रात के समय पे लैंड बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा, पानी उतनी जल्दी ठंडा नहीं होगा। तो पानी जब उतनी जल्दी ठंडा नहीं होगा तो ओशन के ऊपर जो हवा होगी वो कंपेरेटिवली गर्म होगी लैंड से। तो ओशन के ऊपर जो हवा होगी वो ऊपर उठेगी। यहां पे लैंड है, लैंड तो ठंडा हो चुका है, तो लैंड के ऊपर जो ठंडी हवा है वो ओशन की तरफ दौड़ेगी, क्योंकि ओशन के ऊपर की जो हवा है वो कंपेरेटिवली वार्म है, तो वो ऊपर उठ चुकी है, तो ओशन के ऊपर वैक्यूम हो गया है। उस वैक्यूम को भरने के लिए लैंड की तरफ से हवा इधर जाएगी, और ओशन के ऊपर जो हवा उठी है वो लैंड की तरफ इस तरीके से आएगी और कुछ इस तरीके का साइकिल बनाएगी। तो साइकिल कुछ इस तरीके का हो गया है। ये रात में होता है। तो ठंडी हवा रात के समय सी की तरफ जाती है, इसको आप बोलते हो लैंड ब्रीज। समझ गए? तो ये सी ब्रीज और लैंड ब्रीज का आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। लैंड ब्रीज का कंसेप्ट कब आया? रात के समय पे आया। सी ब्रीज का कंसेप्ट कब आया? दिन के समय पे आया। दोनों ही तरीके की हवा ठंडी होती है और बहुत सुहावनी होती है। इसको हम लोग यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से भी दिखाया है फ्रेंड्स। ये देखिए डे टाइम पे क्या हो रहा है। डे टाइम पे लैंड के ऊपर जो हवा है वो ऊपर उड़ गई है। ऊपर उड़ गई तो सी की तरफ से हवा ऐसे आ रही है। अब जब सी की तरफ से हवा ऐसे आ रही है तो जो यहाँ पे घर बने वो खिड़की खोल देंगे ताकि ये ठंडी हवा उनके घर के अंदर घुसे और सुहावना सा मौसम हो। तो अब यहाँ देखिए लैंड के ऊपर हवा ऊपर उठ रही है और सी की तरफ से हवा ऐसी आ रही है, कूल हवा। और ऑब्वियसली बात है सी के ऊपर से हवा ऐसी आ रही है तो यहाँ पे जो वैक्यूम बना होगा उसको कवर करने के लिए, वैक्यूम कवर करने के लिए जो हवा लैंड के ऊपर से उठी उठी होगी वो ऐसे जाएगी और ये पूरा सर्किल ऐसा बन जाएगा जिसका एरो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। वहीं पे रात के समय पे क्या हो रहा है, ऊपर देखिए कि भाई सी उतनी जल्दी ठंडा नहीं होगा, समुंदर का पानी उतनी जल्दी ठंडा नहीं होगा वो, और लैंड बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो लैंड के ऊपर जो हवा होगी वो कंपेरेटिवली कूल होगी, सी के ऊपर जो हवा होगी कंपेरेटिवली हॉट होगी, तो वो ऊपर उठेगी सी वाली हवा, उसके वैक्यूम को कवर करने के लिए लैंड से ब्रीज बहेगी सी की तरफ। ठीक है, तो सी वाली ब्रीज ऊपर उड़ गई हॉट होने के चक्कर में, उसके चक्कर में लैंड की तरफ से ठंडी हवा ऐसे आई और फिर लैंड के ऊपर जो वैक्यूम आया उसको कवर करने के लिए जो हवा सी की तरफ से ऊपर उठी थी वो लैंड की तरफ ऐसे भागी। तो कुछ इस तरीके का आपको एरो मिलता दिख रहा है। तो इसको बोलते हैं डे टाइम नाइट टाइम। डे टाइम में आपको नजर आई सी ब्रीज, नाइट टाइम में आपको नजर आई लैंड ब्रीज। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया हो। ठीक है, यहां पे लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के कंसेप्ट को समझाया। अब देखिए जब हम कभी सूरज में बाहर आते हैं तो हमको गर्मी महसूस होती है। ये भाई सूरज की गर्मी हम तक कैसे पहुंचती है? क्या सूरज की गर्मी हम तक कंडक्शन से पहुंच रही है? क्या सूरज की गर्मी हम तक कन्वेक्शन से पहुंच रही है? नहीं पहुंच रही है। देखिए कंडक्शन हो रहा है सॉलिड में, कन्वेक्शन हो रहा है किसमें? कन्वेक्शन हो रहा है या तो लिक्विड्स में हो रहा है या गैसेस में हो रहा है। लेकिन अगर आप सूरज और पृथ्वी के बीच का जो एरिया देखेंगे उस मैक्सिमम एरिया में कोई भी मीडियम नहीं है, ना कोई हवा है। ठीक है, आप समझिए ना, हवा तो केवल हमको अपने एटमॉस्फेयर में दिख रही है, पर जैसे आप अपने एटमॉस्फेयर से निकल जाएंगे सन तो हमसे 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। समझ रहे ना, 150 मिलियन यानी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो इस डिस्टेंस के बीच में हवा कोई मीडियम है नहीं, पर तब भी उस सन की गर्मी को हम महसूस कर रहे हैं। तो उस सन की गर्मी को हम कौन से प्रोसेस से महसूस कर रहे हैं? क्या हम कंडक्शन से महसूस कर रहे हैं? नहीं। क्या हम कन्वेक्शन से महसूस कर रहे हैं? नहीं। तो जब ना हम सन की गर्मी को कंडक्शन से महसूस कर रहे हैं ना हम कन्वेक्शन से महसूस कर रहे हैं, तो हम सन की गर्मी को कौन से प्रोसेस से महसूस कर रहे हैं? उसको हम महसूस कर रहे हैं रेडिएशन से। तो यहां पे आपको एक चीज पता चली कि जब ट्रांसफर ऑफ हीट होता है और बिना किसी मीडियम के होता है तो वो होता है रेडिएशन के थ्रू। ठीक है, तो रेडिएशन का जो हीटिंग प्रोसेस है वो हीट करेगा चाहे मीडियम प्रेजेंट हो चाहे मीडियम ना प्रेजेंट हो। कंडक्शन और कन्वेक्शन के लिए कंडक्शन के लिए कन्वेक्शन के लिए मीडियम की जरूरत है। रेडिएशन में अगर मीडियम ना हो तो भी चलेगा, अगर मीडियम हो तो भी चलेगा। समझ गए? अगर आप अपने कमरे में एक रूम हीटर के सामने बैठते हो तो उस रूम हीटर से हवा आपको किस फॉर्म में रहेगी? रूम हीटर में तो हवा है ना मीडियम, बट उसमें भी जो आपको हवा मिल रही है वो रेडिएशन के थ्रू मिल रही है। समझ गए? अब देखिए, अ हॉट यूटेंसिल केप्ट अवे फ्रॉम द फ्लेम कूल्स डाउन एज इट ट्रांसफर्स हीट टू द सराउंडिंग्स बाय रेडिएशन। आपको मैंने बताया था कि ट्रांसफर ऑफ हीट में तीन एग्जांपल्स देखे थे। एक एग्जांपल मैंने बताया था कि आपको फ्राई पैन को ऊपर रखा, अगर वुडन या प्लास्टिक हैंडल नहीं है तो हैंडल गर्म हो जाएगा, ये ट्रांसफर ऑफ हीट है।
खाना बनाने के लिए फ्राई कर सकते हैं, अंडा फ्राई कर सकते हैं, वो पैन गर्म हो रहा है, ये ट्रांसफर ऑफ हीट है। गर्म पैन को आपने फ्लेम से हटा के अलग रख दिया, वो ठंडा होगा, ये ट्रांसफर हीट है। जब वो गर्म पैन ठंडा हुआ, उस ठंडे होने के प्रोसेस में कौन सा प्रोसेस लगा? उसमें रेडिएशन लगा। वो जो गर्म पैन था उसने अपनी गर्मी अगल बगल के सराउंडिंग्स को दे दी। कौन से मीडियम के थ्रू दी? रेडिएशन के थ्रू दी। ना वहां पे कंडक्शन हुआ, ना वहां पे कन्वेक्शन हुआ। हमारी बॉडी भी कंटिन्यूअसली हीट प्रोवाइड कर रही है सराउंडिंग्स को, कौन से प्रोसेस के थ्रू? रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू। क्योंकि हमारी बॉडी अगल बगल के हवा से ज्यादा गर्म है, इसलिए जितनी भी हॉट बॉडीज होती हैं वो हीट को रेडिएट करती हैं। और जब ये रेडिएटेड हीट किसी और ऑब्जेक्ट पे गिरता है तो वो ऑब्जेक्ट पे जो हीट गिर रही है, कुछ हीट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ हीट ऑब्जॉर्ब हो जाएगी और कुछ हीट ट्रांसमिट भी हो सकती है। तो जो हीट रेडिएट होने के बाद किसी दूसरी बॉडी पे गिर रही, तो कुछ रिफ्लेक्ट हो रही, कुछ ऑब्जॉर्ब हो रही, कुछ ट्रांसमिट हो रही है। जो ऑब्जॉर्ब हो रही है ना, उस एब्जॉर्प्शन की वजह से दूसरी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। इसीलिए आपसे कहा जाता है फ्रेंड्स कि आप जब भी सन पे जाइए तो आप अम्ब्रेला का इस्तेमाल करिए। क्यों? क्योंकि जब आप सन पे चलेंगे तो सन की हीट आपके ऊपर गिरेगी, तो सन की कुछ हीट को आपकी बॉडी अब्सॉर्ब करेगी, जिसकी वजह से आपको गर्मी लग सकती है। तो उस गर्मी को रोकने के लिए आप अम्ब्रेला का इस्तेमाल कर सकते हो, तो सन की डायरेक्ट हीट आपके ऊपर नहीं पड़ेगी। तो तीन प्रोसेस मैंने समझाए, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। पता नहीं बहुत मेहनत समझाए, समझ में आ गए हो तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिपोर्ट करके देखिए, फिर से रिपीट करके देखिए। अब किस किस तरीके के क्लॉथ हम लोग गर्मी सर्दी में पहनते हैं ये भी देखते हैं। आपने देखा होगा गर्मियों में भैया लाइट कलर्स क्लॉथ होते हैं, डार्क नहीं होते हैं, ऑरेंज हो गया, व्हाइट हो गया, इस तरीके के कपड़े पहनते हैं। और हम लोग सर्दियों में थोड़े डार्क कपड़े, ब्राउन हो गया, ब्लैक हो गया, रेड हो गया, इस तरीके के कपड़े पहनते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? इसको भी भाई एक एक्टिविटी समझना है। एक्टिविटी नंबर 4.10, दो आइडेंटिकल टिन कैंस लीजिए और एक टिन कैन की बाहर की सरफेस को ब्लैक से पेंट कर दीजिए, एक टिन कैन की बाहर की सरफेस को व्हाइट से पेंट कर दीजिए। दोनों में इक्वल अमाउंट्स ऑफ पानी डालिए और बिल्कुल भरी दोपहर में बाहर एक घंटे के लिए रख दीजिए, और कुछ देर बाद जाके उन कैंस में जो टेम्परेचर ऑफ वाटर है उसको मेजर करने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे कि जिस कैन की सरफेस को आपने ब्लैक रंगा है, ऑब्वियस सी बात है उसके पानी का टेम्परेचर ज्यादा होगा कंपेयर टू उस कैन के, जिस टिन कैन के जिसको आपने बाहर से व्हाइट किया है। क्योंकि जो ब्लैक सरफेस है ना टिन कैन की, ये बहुत तेजी से सन के रेडिएशन को सोखेगा। तो जो डार्क चीजें होती हैं, खासकर जो काली चीजें होती हैं, वो बहुत तेजी से हीट को एब्जॉर्ब करती हैं। व्हाइट चीजें रिफ्लेक्ट ज्यादा करती हैं, वो हीट को कंपेरेटिवली कम एब्जॉर्ब करती हैं। आप उंगली डाल के ये बता सकते हैं कि कौन से फ्राई पैन का पानी ज्यादा गर्म है। समझ के बात को, हम यहाँ पे एक अच्छा सा फैक्ट दे रखा है कि आप इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोल का इस्तेमाल करते हैं, वुड का इस्तेमाल करते हैं अपने हाउसेस को गर्म ठंडा करने के लिए गर्मी के समय पे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में आप अपने हाउसेस को कूल कैसे करोगे? तो भाई आप एसी चला सकते हो, फ्रिज से आप कूल करते हो, और सर्दी में ऑब्वियस सी बात है आप लकड़ियों को जला के अपना हर घर गर्म कर सकते हैं। अब अगर बाहर की हीट और कोल्ड से अंदर के एटमॉस्फेयर को बचाना है, जैसे मान लीजिए आप अफ्रीका के सहारा डिजर्ट की जंग, वहां पे रेगिस्तान में रह रहे हो, तो वहां बहुत बाहर गर्मी है, तो घर ऐसा बनवाना कि अंदर ज्यादा गर्मी ना आए। या फिर आप मान लीजिए कि रशिया के साइबेरिया वाले इलाके में रह रहे हो, वहां बहुत ज्यादा सर्दी है बाहर, तो बाहर की सर्दी को अंदर नहीं लाना है। तो आउटर ऑफ द वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग को आप कुछ इस तरीके से बनवाइए कि उसके अंदर कुछ ट्रैप्ड लेयर्स ऑफ एयर, और चूंकि जो एयर की लेयर होती है दैट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो वो अंदर की सर्दी या गर्मी को बाहर जाने ही नहीं देगी और एक ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर को अंदर मेंटेन करने में मदद करेगी। इसके लिए हॉलो ब्रिक्स आने लगे हैं, बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है वो भी थोड़ी अलग ही तरीके की है। तो आज कल इस तरीके से चीजें यूज होने लगी, चूंकि इंडिया में इसके एग्जांपल्स आपको ज्यादा नहीं मिलेंगे, क्योंकि ना इंडिया में एक्सट्रीम सर्दी पड़ती है, ना इंडिया में एक्सट्रीम गर्मी पड़ती है, हमको सर्दी गर्मी दोनों देखने को मिलती है, इसलिए इस तरीके के कंस्ट्रक्शन इंडिया में कम दिखते हैं। आगे चलते हैं, लास्ट एक्टिविटी देख लेते हैं फ्रेंड्स आपकी। दो कैंस हमने एक्टिविटी 4.10 इससे वाली पहले वाली एक्टिविटी में यूज किए थे। अब उन दोनों कैंस में आप हॉट वाटर डाल दीजिए सेम टेम्परेचर, मान लीजिए 60 डिग्री सेंटीग्रेड का हॉट वाटर आपने उसमें डाल दिया, और दोनों कैंस को शेड में छोड़ दीजिए, समझ गए। अब नोट द टेम्परेचर ऑफ द वाटर आफ्टर 10-15 मिनट्स, क्या दोनों कैन में टेम्परेचर सेम अमाउंट से गिरा है? ऑब्वियसली बात है सेम अमाउंट से नहीं गिरा होगा, क्योंकि जो ब्लैक वाली सरफेस है
वो अपने टेम्परेचर को ज्यादा मेंटेन कर पाएगा, व्हाइट वाली जो सरफेस है वो अपने टेम्परेचर को उतना मेंटेन नहीं कर पाएगी, तो टेम्परेचर तेजी से फॉल होगा उसमें, ब्लैक वाले में उतना तेजी से फॉल नहीं होगा। तो इन सारी एक्टिविटीज से आपको पता चलता है कि गर्मियों में हमको व्हाइट या लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए जो कि सन की रेस को रिफ्लेक्ट ज्यादा करते हैं, अब्जॉर्ब कम करते हैं, और सर्दियों में हमको डार्क कलर के कपड़े पहनने चाहिए जो सन की रेस को ज्यादा अब्जॉर्ब करते हैं, गर्मी को ज्यादा अब्जॉर्ब करते हैं और हमको हीट नेचुरली हीट प्रोवाइड करते हैं। वूलन क्लॉथ की बात कर लेते हैं। वूलन क्लॉथ हमको गर्मी में ठंडा रखते हैं। हम गर्मियों में वूलन क्लॉथ क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि वूल इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। वूल के फाइबर्स के बीच में एयर फंस जाती है, हमने आपको बताया था, और ये जो फंसी हुई एयर है हमारी बॉडी की हीट को बाहर नहीं निकलने देती है, इसलिए बाहर की कोल्ड सराउंडिंग हमको उतना इफेक्ट नहीं कर पाती, हमें गर्मी लगती है। अब देखिए आपको दो चॉइस दिया जाए, सर्दियों में मान लीजिए आपको एक थिक ब्लैंकेट दी जाए या दो छोटी छोटी थिन ब्लैंकेट्स दी जाए, तो दो छोटी छोटी थिन ब्लैंकेट्स ज्यादा इफेक्टिव होंगी, क्योंकि वो जो छोटी छोटी थिन ब्लैंकेट्स मिलके एक थिक ब्लैंकेट का तो काम करेंगी ही करेंगी, और उन दो छोटी छोटी थिन ब्लैंकेट्स के बीच में एयर की भी एक लेयर आ जाएगी, वो भी एक तरीके से आपको सर्दी बचाने में मदद करेगी। तो तीन लेयर्स आ जाएंगी, एक बड़ी थिक ब्लैंकेट में मान सकते हैं कि वो दो छोटी थिक ब्लैंकेट का काम हो रहा है, पर उन जो छोटी थिक ब्लैंकेट के बीच में जो एयर ट्रैप हो रही है वो एक्स्ट्रा गर्मी को कंजर्व कर रही है, समझ गए? तो यहां पे हमने किसकी बात की? सेल्सियस स्केल की, कंडक्शन, कंडक्टर, कन्वेक्शन, इंसुलेटर, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, रेडिएशन, टेम्परेचर, थर्मामीटर, सब कुछ मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे हमने क्या क्या लर्न किया है? हमने देखा कि भाई टच करके आप किसी भी चीज की डिग्री ऑफ हॉटनेस को ठीक तरीके से पता नहीं कर सकते, उसके लिए एक रिलायबल मेजर की जरूरत है, और वो रिलायबल मेजर क्या होता है? वो रिलायबल मेजर होता है आपका टेम्परेचर। फिर दूसरी चीज, थर्मामीटर का इस्तेमाल किया जाता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। क्लिनिकल थर्मामीटर का इस्तेमाल किया जाता है हमारे बॉडी को टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, इसका रेंज होता है 35 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड। बाकी चीजों के लिए लेबोरेटरी टेम्परेचर थर्मोमीटर्स का इस्तेमाल किया जाता है जिनका रेंज होता है -10 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड। किंक लगा होता है हमारे क्लिनिकल थर्मोमीटर में, जैसे आप टेम्परेचर मेजर करोगे उसका टेम्परेचर तुरंत नहीं गिरेगा, बट लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स का टेम्परेचर तुरंत गिरता है क्योंकि इसमें कोई किंक नहीं होता है। ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। जो हीट फ्लो होता है वो एक बॉडी ऑफ हायर टेम्परेचर से बॉडी ऑफ लोअर टेम्परेचर में होता है, तीन तरीके से हीट फ्लो कर सकती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। सॉलिड्स में हीट जनरली कंडक्शन से फ्लो करती है, ठीक है, लिक्विड्स और गैसेस में हीट नॉर्मली कन्वेक्शन से फ्लो करती है, और रेडिएशन से ट्रांसफर ऑफ हीट के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है, हालांकि मीडियम होगा तो भी रेडिएशन इफेक्टिव होगा। तो रेडिएशन मीडियम होने ना होने दोनों में होगा, पर कंडक्शन कन्वेक्शन के लिए मीडियम चाहिए। जो मटेरियल्स अपने थ्रू हीट को आसानी से पास करने देंगे वो कंडक्टर्स हैं हीट के, जो नहीं करने देंगे वो इंसुलेटर्स हैं। डार्क कलर के ऑब्जेक्ट्स हीट को तेजी से अब्सॉर्ब करते हैं, लाइट कलर के ऑब्जेक्ट्स हीट को उतना तेजी से अब्सॉर्ब नहीं करते हैं, इसलिए लाइट कलर क्लॉथ हमको आराम पहुंचाते हैं समर में और डार्क कलर क्लॉथ हमको आराम पहुंचाते हैं विंटर में। वूलन क्लॉथ हमको आराम क्यों पहुंचाते हैं? क्योंकि वूल फाइबर के बीच में एयर ट्रैप हो जाती है और एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, साथ ही साथ वूल इज ऑल्सो अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, इसीलिए वो हमारी बॉडी की हीट को बाहर निकलने नहीं देता है। तो बस यहाँ पे वीडियो खत्म हो गई। अगर वीडियो लाइक अच्छी लगी फ्रेंड्स तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। लाइक तो स्पेशली कर दीजिए क्योंकि YouTube की एल्गोरिथम कुछ इस तरीके से काम करती है कि जो वीडियो ज्यादा लाइक्ड है या ज्यादा शेयर्ड है उनको वो ज्यादा प्रमोट करेंगे अपने रिकमेंडेड कमेंट में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए, हैव अ ग्रेट डे।